हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होम रेमेडी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे नेल्स बहुत ही ज़्यादा अनटाइडी और येलोइश हैं। येलो नेल होने का कारण एक ये भी होता है, हम बहुत देर तक यानी कि काफ़ी टाइम तक नेल पेंट को अप्लाई करके रखते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे नेल येलो हो जाते हैं। एंड सेकेंड थिंग, जब हमारे नेल्स में बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं, फिर मानसून में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से भी नेल्स हमारे येलो हो जाते हैं। तो एक छोटी सी होम रेमेडी जिसको हमें घर पर खुद ही ट्राई करती हूँ, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे ल्यूक वॉर्म वाटर यानी कि गुनगुने पानी में अपने फिंगर्स को डिप करके रखा है 2 से 3 मिनट के लिए। आप सिर्फ उतना ही गुनगुना पानी लें जितना कि आप मतलब अपने फिंगर्स को डिप कर सके। उसके बाद मैं अपने हैंड को वाइप कर लूँगी। और उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं लेमन और बेकिंग सोडा। यहाँ पर मैंने लेमन जूस को स्क्वीज़ कर लिया है और थोड़ा सा जूस अपने नेल्स पे भी लगा लिया, क्योंकि लेमन के अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से वो हमारे स्किन को और हमारे नेल्स को ब्राइटन करने में काफ़ी हेल्प करता है। साथ में मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है, इसका एक सॉल्यूशन तैयार करके हम अपने नेल्स पर इसको अप्लाई कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आप यहाँ पे कोई भी पुराना टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं या फिर जो नेल ब्रश आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो भी लेमन और बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन अपनी फिंगर्स पे लगाया था उनको मैंने रिमूव कर लिया यानी कि वॉश कर लिया। देन आफ्टर मैं उसको वाइप कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना होममेड यानी कि जो घर पे बनाया हुआ मेरा DIY क्यूटिकल ऑयल है उसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी अपने क्यूटिकल्स पे। ये मेरा होममेड क्यूटिकल ऑयल है। आप चाहें तो इसका एक सेपरेट वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। इसको आप फिंगर टिप से या फिर जो ईयरबड आता है उसकी हेल्प से भी अपने क्यूटिकल्स पे लगा सकते हैं, जिससे कि हमारे नेल्स में या फिर क्यूटिकल में कभी कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उनको रिमूव करने में ईजी होता है और हमारे क्यूटिकल को भी सॉफ्ट बनाता है। क्यूटिकल ऑयल लगाने के बाद हम अपने क्यूटिकल्स को थोड़ा थोड़ा सा रब करेंगे। उसके बाद मैं अपनी न्यूट्रीजिना हैंड क्रीम को अप्लाई कर लूँगी। ये बहुत ही अच्छी हैंड क्रीम है। आप चाहे तो मैं इसका एक सेपरेट रिव्यू भी आपको दे सकती हूँ, पर इसकी जगह अगर आपके पास ये क्रीम नहीं है तो आप कोई भी हैंड क्रीम या फिर कोई भी मॉइस्चराइज़र या फिर बोरोप्लस वगैरह कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं ये क्रीम अप्लाई करने के बाद सीरियसली मेरे हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होते हैं और ये बहुत ही अच्छा क्रीम है। देन आफ्टर आप मेरे नेल्स भी देख सकते हैं, जो पहले बहुत ज़्यादा डर्ट दिख रहा था मेरे नेल्स में और येलोनेस थी, वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। तो गाइस ये रहा मेरा फाइनल रिजल्ट, आप मेरे नेल्स और मेरे हाथ देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।